देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। गोगा नवमी पर मंगलवार को शहर भर से निशान के साथ ही झिलमिलाती झांकियां भी निकली। शाम ढलते ही अपने अपने इलाकों से निकले वीर गोगा देव के निशान रास्तों में एकाकार होते गए। रात 9 बजे से झांकियां राजबाड़ा पहुंचने लगी थी। रात 12 बजे बाद सभी निशान और झांकियां पंडरी नाथ स्थित गोगा देव मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के साथ महोत्सव का समापन हुआ। इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ के संयोजक महेश गौहर ने बताया, शहर की 22 वाल्मीकि बस्तियों से वीर गोगादेव के निशान निकले। इस बार 56 निशान तो मान्यता प्राप्त दलों के अखाड़ों से ही निकले। इनके साथ रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिलाती धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर प्रेरणा देती झांकियां भी थी। इसके अलावा 30 से अधिक निशान विभिन्न इलाकों से निकले। वीर गोगादेव उत्सव समिति के अध्यक्ष नितेश डागर ने बताया, परदेसीपुरा क्षेत्र के अर्जुन सिंह गौहर नगर से भगत मनोज बैंडवाल के निशान के साथ दो झांकियां निकाली गई। एक में बलराम और कृष्ण के रथ को राधा जी रोकते हुए नजर आई, तो दूसरी झांकी में लंकेश्वर महादेव हिमालय पर्वत को उठाते दिखे। झांकी में ग्रीन सिटी का संदेश भी दिया गया। युवा कामगार संघ के अध्यक्ष सूरज गौहर ने बताया कि ग्वालियर वाले बिंदा भाई घराने के उस्ताद चौधरी गोपी कृष्ण गौहर व उस्ताद नरेंद्र गौहर भगत मनोज बैनीवाल की छड़ी के साथ परदेसीपुरा अर्जुन सिंह गौहर नगर से 3 झांकियां भी निकाली गई। झांकियों को हरी झंडी दिखाकर महामंडलेश्वर दादू महाराज एवं MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, हिमांशु यादव, रानू सेन ने चल समारोह के लिए रवाना किया। प्रथम झांकी में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का सार्थक संदेश देते हुए साफ स्वच्छ शहर के साथ हरे भरे शहर के लिए वृक्षारोपण का संदेश दिया जा रहा था, जिसमें अपने प्रियजन और पुरोधा की स्मृति में वृक्ष लगाने की अपील की गई थी। दूसरी झांकी में कृष्ण और बलराम को राधा और उसकी सहेलियां रोक रही थी। वहीं तीसरी झांकी में भोलेनाथ पर्वत पर विराजमान है और दशग्रीव दशानंद पर्वत को उठा रहे हैं। वहीं गजानन गणपति के इशारे पर उनके वाहन मूषक यानी कि चूहे पहाड़ को खोदकर बड़े खुश हो रहे हैं। झांकी में दिवंगत वरिष्ठ वाल्मीकि समाजजनों को चित्र के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। चलित झांकियां जब राजवाड़ा पर पहुंची, तब बड़े उल्लास के साथ कर्मचारी कामगार संघ के संयोजक महेश गौहर का हर स्टेज से साफा श्रीफल एवं ट्रॉफी देकर सम्मान किया गया। मंगलवार रात्रि को वीर गोगादेव जन्मोत्सव पर निकले चल समारोह ने अनंत चतुर्दशी समारोह का आभास करा दिया। सबसे पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को और देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और आज गौहर परिवार द्वारा प्रति वर्ष अनुसार यहाँ पे आज भी झांकी और उसका निर्माण किया जा रहा है। झांकी में धार्मिक उद्देश्य तो है ही, गोरखनाथ जी का अभी हम लोगों ने पूजन करके इसका शुभारंभ किया है। साथ ही एक विशेष बात यह भी है कि झांकी में धार्मिक संदेश देते हुए तो है ही, उसके साथ साथ वो उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जो विगत 50 वर्षों से उनके साथ कार्य करते हैं। ये 50 वर्षों से ऐसा अभिनव प्रयास इंदौर में करते हैं, जिसमें एक उद्देश्य यह है कि इन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि शहर के अंदर किसका निधन हुआ है। यदि इन्हें जानकारी मिलती है तो उसकी स्मृति में, वो भले इनका रिश्तेदार हो, पहचान का हो या नहीं हो, लेकिन शहरवासी होता है यही, इनको यदि जानकारी मिल जाती तो उसके नाम से ये स्वयं जाकर कहीं पर पौधारोपण करते हैं और उसको पौधे को वृक्ष बनने तक की जवाबदारी भी निभाते हैं। और आज झांकी के अंदर उसका भी इन्होंने दर्शाते हुए पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, जिससे शहरवासी जान सकें कि गौहर परिवार, उसमें विशेष रूप से महेश भैया, किस प्रकार से कार्य करते हैं। मैं अपनी ओर से ऐसे अभिनव प्रयास के लिए इनको शुभकामना देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि गोगा नवमी के इस शुभारंभ अवसर पर उन्होंने मुझे याद किया। महामंडलेश्वर दादू महाराज जी के जन्मोत्सव पर प्रति वर्ष के अनुसार जो है यहाँ गौहर परिवार के द्वारा महेश जी गौहर और हमारे जो प्रचेता गौहर डान और पूरा परिवार हर वर्ष 22 वर्षों से यहाँ पर भगवान गोगादेव की झांकी और उनका जो है चल समारोह बड़ी धूमधाम से यहाँ से निकाला जाता है। आज बड़े उत्साह के साथ पूरा वाल्मीकि समाज जो है पूरे शहर भर के अंदर, पूरे देश के अंदर भगवान जो है इनका जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ पूरे शहर के अंदर मनाया जाता है। मेरी ओर से पूरे समाज को और गौहर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कितना सारी जो है सारा सामाजिक संदेश रहता है और समाज का बड़ा योगदान रहता है यहाँ पर। और बड़े उत्साह के साथ समाज तो रहते ही है, उसके अलावा भी जो इनके मित्र यार बंधु दोस्त और यहाँ के जो परिवार के लोग हैं वो सब पूरे समय में झांकी के साथ चलते हैं और पूरा शहर उत्साह के साथ झांकी जो है पर्व मनाता है। दौर में तो विशेष तौर से 1937 से झांकियों का चलन शुरू हो रहा है। उस टाइम
सिर्फ तीन छड़ी निकलती थी, आज 56 निशान इंदौर शहर से जो निकल रहे हैं। पहले जो है चुना निशाना चला पीलिया खाल में निशान जाते थे, अब राजबाड़े पर जाते हैं 1956 से लेकर अभी तक। अब पूरे मान्यता प्राप्त 56 जल दल हैं जो राजबाड़े पर जाते हैं। और आज का दिन वीर गुगादेव चौहान का हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि गुगादेव चौहान थे वो ठाकुर वंश के थे, लेकिन उन्होंने दलितों को अपने गले लगाया, जाटों समारोह को, बेहतर वाल्मीकि समाज के लोगों को और नरसिंह पांडे जैसे लोगों को सभ्यशाला बनाया, और इसलिए उनका जो भाव थे उस भाव को लेकर के हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आज जो झांकी निकल रही है उसमें हमने बड़ी आगे जो झांकी निकली है उसमें हमने वृक्षारोपण का संदेश दिया है कि हम इंदौर शहर क्लीन तो है लेकिन स्वच्छ तो है, इसके साथ साथ हम ग्रीन शहर भी हम बनाना चाहते हैं। और जो लोग मृतक हो गए हैं उनके पुण्यतिथि का नाम पर भी हम लोग एक पेड़ विगत 50 साल से लगाते आ रहे हैं। दूसरी झांकी में हमने दर्शाया है कि भोलेनाथ पहाड़ पे बैठे हैं और पहाड़ को रावण उठा करके लंका ले जाते हैं उनकी माँ के पास दर्शन कराने, और चूहे जो हैं वो उसको खोद रहे हैं, सब पूरा खोद को क्या करते हैं। एक झांकी में हमने दर्शाया है कि कृष्ण और बलराम अपने वहाँ जा रहे हैं यात्रा करते हुए, और यात्रा में मतलब वो राधा उनको जो है रोक रही है और कहती है कि मुझे निर्बल जान के जात हो मुझे छोड़कर यहाँ, और अगर हृदय से जा सको तो मैं जानूंगी। तो पहले तो पूरे इंदौर वासियों को मैं गोगादेव महाराज की जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और ये बताना चाहती हूँ कि ये छोटे समाज का बहुत बड़ा त्यौहार है, ये हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमारे लिए एक दिवाली के समान है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।